दोस्तों आप सभी का स्वागत है व्हाट्सअप बॉलीवुड में। हम अक्सर गॉसिप्स और रोजमर्रा की न्यूज से हटकर आपको बॉलीवुड के अनसुने किस्से कहानियाँ पेश करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे घटिया और वल्गर किसिंग सीन के बारे में। जी हाँ, वैसे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमने काफी सारे सिजलिंग और हॉट किसेस देखे होंगे, लेकिन आखिर वो कौन सा किसिंग सीन था जिसे बॉलीवुड के सबसे घटिया और वल्गर किसिंग सीन का खिताब मिला है? तो चलिए, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये किसिंग सीन किसी और के बीच में नहीं बल्कि बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित और बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हीरो कहे जाने वाली विनोद खन्ना के बीच हुई थी। चौंक गए ना। दरअसल ये किसिंग सीन हुआ है फिल्म दयावान में, जिसे डायरेक्ट किया था फिरोज खान ने। इन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग भी की थी। इस कहानी को जानकर और हैरानी इसलिए होती है क्योंकि फिल्म के हीरो विनोद खन्ना की इमेज अक्सर बड़े ही जेंटलमैन और सौम्य हीरो के रूप में होती है, लेकिन माधुरी दीक्षित के साथ ये किसिंग सीन करते वक्त विनोद खन्ना भी अपना आपा खो बैठे। भावनाओं में बहकर विनोद खन्ना ने इस किसिंग सीन को और ज्यादा इंटेंस बना दिया। ये साफ दिख भी रहा था कि किसिंग सीन के खत्म होते ही माधुरी दीक्षित के होंठों पर इसका रैश और मार्क भी आ गया था, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर फिरोज खान ने ज्यों का त्यों इस सीन को फिल्म में यूज कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसी सीन को हाईलाइट बनाकर फिल्म को प्रमोट भी किया। और जाहिर सी बात है कि फिल्म हिट भी हुई, लेकिन फिल्म के सक्सेसफुल होते ही ये किसिंग सीन एक कॉन्ट्रोवर्सी बन गया, जिसके लिए मीडिया ने माधुरी दीक्षित की लालत मलालत में कोई कसर नहीं छोड़ी। और कुछ इसी तरह माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना के बीच हुआ ये वल्गर किसिंग सीन बॉलीवुड का सबसे घटिया किसिंग सीन बन गया। तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट कीजिए, और हिंदी सिनेमा की ऐसी ही अनसुनी किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।